जबलपुर भोपाल राजमार्ग को सालबागड़ कंपनी ने बनाया था और कंपनी ने शाहपुरा के पास एक टोल टैक्स भी निर्मित किया, पर बीते दिनों में भारी बारिश के चलते टोल टैक्स का पूरा सिस्टम पानी से खराब हो गया। हालात ये बन गए हैं कि खराब हुए सिस्टम को बनाने के लिए NHAI की टीम ने जब मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि सिस्टम को बनाने में तकरीबन 20 से 25 दिन लगेंगे। ऐसे में अब टोल नाका पूरी तरह बंद हो गया है, तो NHAI ने फैसला लिया है कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो जाता तब तक वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा। बागड़ कंपनी के बाद अब इस सड़क की जिम्मेदारी वंशिका कंस्ट्रक्शन को दी गई है। ऐसे में जब 20 से 25 दिन तक टोल बंद रहेगा, वाहनों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो वंशिका कंपनी को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि NHAI के अधिकारियों का कहना है कि जो भी वंशिका कंपनी का नुकसान होगा उसे बागड़ कंपनी से वसूल किया जाएगा। बता दें कि पहले बारिश के चलते बागड़ कंपनी के द्वारा बनाए गए बेसमेंट में पानी भरने से शाहपुरा टोल नाके का सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया है, तो जल्द से जल्द इसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। NHAI ने अपने मुख्यालय में रिपोर्ट भेज दी है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द टोल का सिस्टम ठीक किया जाए। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक टोल नाके में लगे सिस्टम के खराब होने की उच्च स्तरीय जाँच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि आखिर बागड़ कंपनी ने जो सिस्टम के लिए बेसमेंट बनाया था उस पर पानी कैसे चला गया। फिलहाल इस सड़क पर चलने वाले वाहनों को टोल से छूट दे दी गई है। एक्चुअली इससे दो दिन पहले जो बारिश हुई थी, दो घंटे लगातार, उसके कारण टोल की इंटरनल टर्नल में पानी भर गया था, तो जितना भी सिस्टम है वो क्रैक हो गया था और सारा टोल बंद हो गया था ऑटोमेटिक। अब क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी कल परसों NHAI वालों ने विजिट की थी, लेकिन जब तक ये सिस्टम दोबारा से शुरू नहीं हो सकता टोल शुरू नहीं हो सकता। अभी जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनका क्या हो रहा है? वो ये जा नहीं, वो टोटल फ्री जा रही है गाड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। फास्टैग सब बंद है, पूरा सिस्टम ही बंद है। कब तक चालू होने की संभावना? अब NHAI के अनुसार तो 15 से 20 दिन में सिस्टम पूरा चालू होने की संभावना है। क्या नाम है? कुणाल शर्मा। क्या है आपका? एडमिन ऑफिसर।